करके उस मस्जिद में अपने चटाई पर जब ताला बंद है आग लगा दिया कौमी मैंने जे कॉम्युनल एथी करने के लिए, और उसके बाद यहाँ के 12-14 लड़कों पर केस डाला, 7 लोग भीतर कर दिया है जो कोई दोषी नहीं है। हाँ जो भी मैंने जो भी इनके स्पोर्ट्स के लोग हैं उन सबों को भीतर। अरे सर हम खुद लाश के साथ यहाँ पे 24 घंटा हैं, लेकिन मस्जिद में ताला लगा हुआ है, ताला के बाहर एक चटाई का कोना जला करके कैसे कह दिया कि आग लगाने के लोग आए थे मस्जिद में, ताला लगा तो आग लगाने कैसे आए थे जरा हमको बता दो। चटाई में आधा साला कोना जलाएगा, ऑलरेडी वहाँ प्रशासन था तो कैसे आग लग गई। हेलो एसपी साहब, हम आए हैं भटकेसरी में, जो हत्या हुआ है छात्र का, इसमें क्या हुआ है प्रगति अभी तक? मैंने ये 5 की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें जो मारने वाला है वो अभियुक्त में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है? जो तलवार और पिस्टल से केक काट रहा है, मैंने फिर लेकिन स्कूल प्रशासन जब 1 बजे तक परीक्षा है तो 11 बजे 11:30 बजे कैसे छोड़ दिया? आप एक बार वहाँ भी जांचिए कि क्यों ऐसा किया, बच्चों एक साथ निकलता तो इस तरह की घटना नहीं होती, आप उसको देखवाइए। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम लोग के केस में नाम डाल दिया गया है एक मस्जिद में आग लगाने का, से दबाव बनाने के लिए, ये कॉमनल मामला बनाने के लिए। नहीं नहीं देखिए, सबूत नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, ये विषय अलग है। विषय है कि अगर जो यहाँ का लोकल थाना प्रभारी मानसिक तौर पर बीमार है और इस तरह के मामला बनाता है तो ऐसे लोग को रहने से तो यहाँ पर मामला और गंभीर होगा। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, चेन्नई से एक वीडियो दिखा रहे हैं कि वायरल हुआ कि खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, तो उसकी भी जाँच करवाइए पूरी। ये मामला तो एक भय पैदा करने का है ना, इसकी पूरी जांच करवा कर हम लोग को भी अवगत कराइए, क्योंकि ये तो एक भय पैदा करने का, बच्चों के बीच में, नए जनरेशन के बीच में इसका कितना गलत संदेश जाएगा। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जब तक के मनोबल बच्चों को नहीं बढ़ाया गया होगा, इसके पीछे पूरा कहीं ना कहीं पूरा एक ग्रुप होगा ये खेला करने में, तो इसको इसको देखवाइए। ये सब वीडियो वायरल होता है तो लोकल थाना केक काट रहा है पिस्टल से और तलवार से, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये लोग वीडियो बता रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वायरल हुआ है। नहीं, थोड़ा एसपी साहब देखवाइए, और इस तरह के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग को संज्ञान में लीजिए, तभी दूसरे पदाधिकारी का ना जगेगा और मनोबल बढ़ेगा। और इन लोगों के मुआवजा की व्यवस्था का कुछ है क्या? नहीं, उग्रवाद से या आतंकवाद से मरता है तो कितना पैसा दे पाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग का आज देखिए एक्सीडेंट में मरता है तो 4 लाख रुपया हम लोग देते हैं, 5 लाख रुपया। इस तरह की घटना में लोग आवेदन एक देगा, आप भेजवाइए सरकार के यहाँ, उसकी कॉपी हमको भी दीजिए, क्योंकि अपराधी का गोली से कोई मैंने तो अपराधी के संपत्ति को कुर्क करके हम लोग इस तरह के वातावरण का तो को माहौल खड़ा कर सकते हैं। देख लीजिए इस नियम को, इसको तो हम लोग डिमांड भी करेंगे कि अपराधी के संपत्ति कुर्क कर करके जिसकी हत्या होती है उस परिवार को मुआवजा दे सरकार। आखिर मनोबल कैसे गिरेगा इस तरह के लोग का, और इस तरह के वातावरण बना करके तो संदेश बच्चा तो स्कूल जाना बंद कर देगा सब। इसको थोड़ा देखवा लीजिए इसको ना, चेन्नई से जो वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, वो लड़का कहाँ का है?
ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग पहले से है, इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, और पर्दा के पीछे जो लोग हैं उस सबको उजागर करना चाहिए आपको। कारण की इस खाना पूर्ति होने से और बड़ी घटना का अंजाम ही सब दे सकता फ्यूचर में। और इसको देख लीजिए, जो मस्जिद में ही FIR करवा दिया है आग लगाने वाला, ये गलत ढंग से कह रहा है कि बताइए, हम लोग तो उपलब्ध भी नहीं है। पुलिस की है, उनके साथ कितना दुख है तो बताइए। इसका भाई फौज में है, राष्ट्र का सेवा कर रहा है, राष्ट्र का रक्षा कर रहा है, इसका परिवार उजड़ रहा है। देखिए थोड़ा गंभीरता से, एक लड़का इस केस में जिसका नाम है वो बॉम्बे है। अच्छा, इसमें जो आग लगाने वाला में दिया है नाम, उसमें एगो मुंबई में है, तो नाम कौन दिया, कौन थाना प्रभारी है या कौन सब इंस्पेक्टर है जो इस तरह का नाम दिया है, एक पूरी रिपोर्ट हमको भी उपलब्ध करवाइए। कैंसर का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट वो वहाँ है और नाम कैसे डाल दिया, लेकर के दिखाने के लिए गया है वो लड़का। थोड़ा दिखवा लीजिए इसको, ठीक। आप ऐसा करिए, एक लिखित हमको आवेदन, अब विद्यालय तक पहुँच गया है और ये कहीं ना कहीं पूरा प्लांट वे में भय पैदा करने का, एक दहशत पैदा करने का, बच्चों का उपयोग किया गया है, इसके पीछे बड़ी साजिश भी है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि बच्चों के द्वारा पिस्टल से केक कटवाना, तलवार से केक कटवाना, वीडियो वायरल करना, खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, ये सब, और इस पर प्रशासन का संज्ञान नहीं लेना, ये दुखद ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे निकम्बे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को हटाना चाहिए थाना से, और निर्दोष लोगों पर इसको मस्जिद में आग लगाने का बहाना बना करके कुछ लोगों का नाम डालना, मतलब जो पीड़ित परिवार है इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको दहशत में लाकर इस मामला को रफा दरफा करना, ये गंभीर विषय है। और अगर जो इन लोगों के नाम नहीं हटाया गया और पूरी मामला को यहाँ से लेके चेन्नई तक से जो आया है मैसेज, खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, ये सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति को जब्त कर उससे इनकी भरपाई, क्योंकि इनके बच्चे की जिंदगी को, इनके 1 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति से जब्त कर मुआवजा मिले और इस तरह के खेला बंद करें। हमने पहले भी कहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई आप बिहार को अराजकता की स्थिति में भेज दिए, गुंडों के हवाले कर दिए हैं और गुंडा राज नहीं चलने देंगे। और दोनों भाई के रीजन में 33 वर्ष कि सत्ता में जो इस तरह से अपराधियों की गोली से मरा है, आपको विचारना चाहिए। जब उग्रवाद और आतंकवाद में मिलता है मुआवजा, इस तरह के अपराधी की गोली से मरने वाले को मुआवजा मिले, रोजगार का अवसर भी प्रदान करे सरकार। हर दिन घटना हो रही है इस तरह से, खुलेआम पहली बार देख रहे हैं कि पिस्टल से केक काट रहा है, तलवार से केक काट रहा है। जब से अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जमात को सरकार में जगह मिला है तब से लोग का मनोबल बढ़ गया। ये व्यवस्था को बंद करनी होगी और नहीं तो इसका भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जबरदस्त जन आंदोलन शुरू होगा। करते हैं हम लोग और कोई बात नहीं।